खरगोन जिले के भगवानपुरा में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत प्रवासी श्रमिकों की आजीविका हेतु 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बहादुरपुरा, कांकड़िया, मदनी के श्रमिक जो कि रोजगार हेतु विभिन्न राज्यों में पलायन करते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा वर्मी कंपोस्ट एवं प्रबंधन अभियान के तहत प्रशिक्षण दिया गया। प्रसार वैज्ञानिक डॉक्टर आर के सिंह एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर जी एस कुलमी और मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर संजीव वर्मा ने बताया कि हमारे द्वारा 35 प्रवासी श्रमिकों की 3 दिवसीय आजीविका हेतु संबंधित रोजगार वर्मी कंपोस्ट रोजगार संबंधित प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें वह अपने ग्राम में ही कुछ रोजगार कर सके, जिसके कारण इन्हें अन्य राज्यों में पलायन करने की आवश्यकता नहीं होगी। किस योजना अंतर्गत सर प्रशिक्षण दिया जाता? ये भारत सरकार की गरीब कल्याण रोजगार योजना चल रही है जी, जिसके तहत भारत सरकार ने ये इस योजना में ये तय किया है कि जो बाहर से प्रवासी मजदूर अपने गांव को वापस लौट के आए हैं कोरोना के कारण जी, तो उनको अपने गांव में ही जो है कि कुछ रोजगार शुरू हो सके, इसलिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्रों को जो पूरे देश भर के कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जहाँ जहाँ पे जिस जिले में ज़्यादा प्रवासी मजदूर आए हैं, उन कृषि विज्ञान केंद्रों को जिम्मेदारी दी गई है कि उनको ऐसा प्रशिक्षण दें जिससे कि वो खुद अपना रोजगार शुरू कर सके। तो इसी के तहत आज हमारे ये बहादुरपुरा गांव में 9वीं ट्रेनिंग कृषि विज्ञान केंद्र खरगोन के द्वारा की जा रही है, जिसमें 35 प्रवासी मजदूरों को यहां पे प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ये प्रशिक्षण वर्मी कंपोस्ट उत्पादन एवं प्रबंधन विषय पर है, जिससे कि ये वर्मी कंपोस्ट उत्पादन करके अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं। क्या नाम सर? मैं डॉक्टर आर के सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिक। ठीक सर, थैंक यू।